डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास 12th के लिए 12th क्लास के लिए मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हम लोग क्लास 12th के लिए अभी जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो उसमें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और उसका जितना भी थ्योरी होता था पेरे स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि जो 6.1 में का क्वेश्चन था हम उसको कर लिए हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में कि कौन कौन सा क्वेश्चन को किए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आपके जो थ्योरी कर रहे थे, तो आप पिछले वीडियोस को अच्छे से देखिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट है। फिर अगर बात करें तो 15, 16, 17, 18 इस एक्सरसाइज का, मतलब कि 6.1 का 15, 16, 17, 18 हम लोगों का कंप्लीट है। तो चलिए हम लोग 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। जरा अच्छा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा कि हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 6.1 का। जिन लोगों को 1 में प्रॉब्लम है तो इसके पिछले वाले वीडियोज को आप देखिए जाकर, जो एक्सरसाइज 6.1 के थ्योरी के लिए वो वीडियोज है उसमें ये क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड। जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है, तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जरा आप ये बातों को समझिए कि जो वैल्यू दिया हुआ होता है ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूब है। सवाल को अब अच्छे से पढ़िएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब को जरा हम लोग सूचित किससे करेंगे, भी से करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी से सूचित करेंगे क्योंकि जैसे इसके पिछले वाले क्लास में एरिया को हम लोग ए से सूचित करते हैं ना, वैसे ही वॉल्यूम को हम किससे सूचित किए, भी से। और भी का वैल्यू हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन आप साथियों क्वेश्चन को देखिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इसका जो वैल्यू दिया है वो पर सेकेंड में दिया है। ये सेकेंड पढ़ेंगे क्योंकि सेकेंड का मतलब क्या होता है, टाइम ना, इसलिए सो ये स्पेशल भी का वैल्यू नहीं दिया है। भले सवाल में बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ कि भी का मान दिया। अब भी का मान कितना दिया, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, अब प्रति सेकेंड है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तभी ना टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। तो ये कब, जब नीचे डीटी होगा तब ना, इसलिए हम लिखेंगे सो डीवी बटा डीटी इज इक्वल टू कितना, 8। हम अब सिर्फ 8 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे दोस्तों, आप देखिए कि भी का वैल्यू हमें दिया था यूनिट, यूनिट के साथ देखना है, यूनिट के साथ देखना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया था। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड का मतलब कौन सी, नीचे सेकेंड है तो डीटी के रिस्पेक्ट में करेंगे तबे ना, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया है, आयतन, क्योंकि आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्यूब में होता है। ठीक है, लेकिन नीचे को हम लोग देखकर पता चला कि ये जो भी है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें 8 दिया हुआ है। अब हमको जानते हैं, चूंकि अब यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब सवाल में वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला था,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पता है ना, पिछला थ्योरी वाला याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यू, भुजा का क्यू, तो भुजा यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हम लोग एक्स का क्यू कर दिए, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब ऐसा नहीं लिख सकते हैं, चूंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स है इसलिए हम बोल सकते हैं भी बराबर एक्स क्यू, ठीक है। ये हम एक्स क्यू कहां से पुट किए, क्योंकि सवाल बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यू, ये तो फार्मूला होता है, ये तो सवाल में दिया था, तो फार्मूला वाला भी के जगह पे एक्स क्यू, तो यहां भी के जगह पे कितना करेंगे, डी एक्स क्यू बट्टा डी टी बराबर में 8। चलिए अब इतना सॉल्यूशन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, यानी कि ये रहा लैंग्वेज प्रॉब्लम, और इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन करना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो डिफरेंशिएशन करना है, क्या आप ऐसा कभी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि डी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसा तो कभी नहीं आप पढ़े। तो जब ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो आप जैसा पढ़े हैं वैसा बनाइए, इसको आप डीएक्स के टर्म में कर लीजिए, समझ में आ रहा है, इसको आप डीएक्स के टर्म में कर लीजिए तो नीचे डीएक्स हो जाएगा, और नीचे वाला को ले जाइए ऊपर तो डीएक्स बटा डी टी हुआ। यानी कि यहां पे हम कौन सा रूल लगा दिए, चैन रूल, क्योंकि एक्स के पावर 3 था तो एक्स के रिस्पेक्ट में ना इसका डिफरेंशिएशन होगा, और नीचे वाला डीएक्स ऊपर तो डीएक्स बाय डी टी बराबर कितना 8। अब इसका तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो एक्स क्यू का बन जाएगा 3 बाहर आएगा, एक्स के पावर 2 बचेगा, और डीएक्स बाय डी टी का मान कितना आ जाएगा 8। यानी कि इसका ये वाला फार्मूला, ये जो दिया हुआ था इसका इस्तेमाल करके हम निकाल लिए किसका मान, डीएक्स बाई डी टी का मान निकाल लिए। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीएक्स बाय डी टी का मान क्या आ गया, तो 3x² गुना में है, ये गुना में है, जब नीचे आएगा तो किस में होगा, 3x² होगा। तो हमको पता चल गया कि डीएक्स बाय डी टी का मान कितना, 8 बटा में 3x². फिर आगे पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 22 सेंटीमीटर। देखिए अब लैंग्वेज दिया है ना, तो लैंग्वेज को समझिए। अब यहां पे तो हमको आ गया, अब बोल रहा है कि सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, क्या करना है जरा ध्यान से समझिए, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ टू इंक्रीज, यानी कि कितना से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डीएक्स बटा डीटी का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये इससे हम लोग निकाल लिए जो सवाल दिया हुआ था उससे निकाल लिए। अब सवाल क्या बोल रहा है कि आप सरफेस एरिया निकालो क्यूब का, क्यूब का क्या निकालो, सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेगा कि हमें क्या निकालना है, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, सरफेस एरिया क्यूब ऑफ क्या, क्या क्या करना है हमें निकालना है। अब जब ये वैल्यू निकालना है, सवाल बोला है कि सरफेस एरिया क्यूब का कितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6x², यही ना होता है भाई, 6x² होता है, ठीक है। अब इस 6x² को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, आप ध्यान से चीजों को देखिए, क्योंकि हम जो है सबसे पहला जो दिया हुआ चीज था वो किसके रिस्पेक्ट में था, टी के रिस्पेक्ट में ना, तो यहां पे सरफेस एरिया क्यूब कितना होता है, 6x² होता है, इसलिए हम लोग सरफेस एरिया को एस से सूचित कर देंगे और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x². अब यहां पे आपको ये समझना है कि जो सवाल हमें पूछ रहा होता है उसको भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, ध्यान रखिए, जो सवाल पूछ रहा होता है उसे भी क्या करना रहता है, डिफरेंशिएशन क्या रहता है। पैरा स्टूडेंट्स आप एक चीज को गौर कीजिएगा, इस एक्सरसाइज में एक चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे गिवन था वॉल्यूम वाला चीज, तो वॉल्यूम से हम लोग कर करके
एक चीज निकाल ली, मतलब कि कुछ ना कुछ निकाल लेना होता है, ठीक है। अब जो सवाल पूछता है उसको भी डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे सवाल पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो उसका पहले फार्मूला लिख लीजिए। अब जो फार्मूला होता है इसको अब डिफरेंशिएशन करना है, समझ रहे हैं। अब इसको जो डिफरेंशिएशन करना है, अब रहा बात की सर किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, आपका सवाल होगा ना कि किसके रिस्पेक्ट में किया जाए। तो आप देखिए साथियों, पहले किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में ना है। पहले जो सवाल दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। तो जो सवाल हमें पूछ रहा है अब इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि नीचे क्या रखेंगे, हमेशा डीटी रखेंगे। क्यों डीटी रखेंगे, क्योंकि हमें डीटी ही सवाल में नीचे दिया हुआ है। तो जो नीचे सवाल में दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें जो सवाल पूछ रहा होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग काम करते हैं, क्या मिलेगा। तो हाँ, एस का वैल्यू ये चीज है तो इसलिए लिखिएगा नाउ। अब जो जो सवाल पूछ रहा है तो एस का वैल्यू तो हमको तो पता है, अब लिखिएगा डी एस बटा डी टी। यानी कि अब जो है ना इसका, इसको डिफरेंशिएशन करना है अपने से सोच के कि किसके रिस्पेक्ट में करा जाए भाई, किसके रिस्पेक्ट में करा जाए, समझ रहे चीजों को। तो हमको ख्याल आया कि जो सवाल दिया हुआ था वो टी के रिस्पेक्ट में दिया था, तो हम इसको क्यों ना डीएस बटा डीटी कर लें। तो डीएस बटा डीटी का मतलब क्या, डी एस का मान कितना है साथियों, 6x² बटा में डीटी, और 6 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो dx² बटा डीटी। इसको 6 तो ऑलरेडी बाहर है, अब इसको कैसे करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स इंटू डी एक्स बटा डी टी, समझ रहे, डी एक्स बटा डी टी। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का अब जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ 6 का तो 6 रख देंगे, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का आगे निकल जाएगा 2 और एक्स के पावर 1 बन जाएगा, और नीचे सॉरी यहाँ पे dx dt बचेगा, और इनटू अभी अभी हम लोग निकाले जब वॉल्यूम दिया हुआ था तो वॉल्यूम वाला फार्मूला से हम लोग dx बटा dt निकाले, कितना निकला अभी, ये भी जो भी हम लोग मिटाएं, आप देखिए कि dx बटा dt निकाले होंगे 8/3x². ये चीज क्या किए हैं, हम लोग खुद निकाले हुए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चीजों को देख लीजिए कि बन क्या रहा है, तो 6 × 2 = 12, 12 × 8 = 96, 96x/3x², ठीक है। अब हाँ, यहां से हम एक्स एक्स एगो काटेंगे होगा, अब ये 3 से कितना बार में कटेगा, तो 3×9 = 32 कितना आया, 32/x, ठीक है। अब 32/x हो गया। अब अंतिम अंतिम सवाल में ये बोल रहा है कि उसका एज कितना है, एज जो है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि किनारा जो क्यूब में घन में किनारे होते हैं ना, घन का तो सब किनारा बराबर होता है, तो इसमें एज एज दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि किनारे का जो वैल्यू दिया है 12। तो इसलिए अब हम लोग करेंगे क्या, एक्स बराबर 12 है, सो 32/x, x के जगह पे 12 रख देंगे, तो ये 8 × 4 = 32 और 3 × 4 = 12, तो 8/3 आ गया। लेकिन अब इसका यूनिट क्या होगा, जरा इस बात को समझिए, क्योंकि यूनिट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब ये जो हुआ 8/3 तो आ गया, लेकिन हम किसका वैल्यू निकाले, सरफेस एरिया का ना, यानी कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं, एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं। तो घन का जो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 × 2 = 6 6 × 2 = को डिफरेंशिएट किए और जो पहले वाला जो वैल्यू है उसका वैल्यू रख दिए, तो इस तरीके से इतना आया। और सवाल में बोला कि एज जो है एक्स का मान 12 है, तो 12 रख दिए। तब इसका यूनिट क्या होगा, तो कोई भी क्षेत्रफल रहता है तो वो स्क्वायर में आता है, और हम लोगों तो सेंटीमीटर में दिया है, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में,
इसको करा रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। इन चीजों को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई चीज हार्ड नहीं है, आपका बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। हालांकि ये चीजें लैंग्वेज में दिया हुआ है और उसी चीज को हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि सवाल क्या बोल रहा है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे सोचना है, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप बुक में देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और लैंग्वेज प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, हो सकता है यही आपका प्रॉब्लम हो जाए बड़ा। इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है कि सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल गिवन दिया है, गिवन रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ सर्किल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि R का जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ सर्किल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं, तो R का वैल्यू कितना दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम इसलिए बोल सकते हैं सो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, सेकेंड दिया है ना, प्रति सेकेंड दिया है, इसका मतलब R का वैल्यू ये नहीं दिया, ये दिया है dr बटा dt का मान। क्यों हम dt किए, क्योंकि ये प्रति सेकेंड है, तो प्रति सेकेंड कब होगा, जब नीचे टाइम होगा, टाइम माने t होगा, तो इसीलिए dr बटा dt का मान कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब चूंकि ये इंक्रीजिंग बोल रहा है, सवाल में देखिए हम लोग पहला में भी हमको इंक्रीजिंग ही बोल रहा था, तो वहां पे प्लस लेना भूल गए थे, यहां पे बोल रहा इंक्रीजिंग, तो हम लोग ये पढ़े ना है थ्योरी में कि इंक्रीजिंग रहेगा तो प्लस ले लेना है, अगर यही डिक्रीजिंग रहता तो यहाँ पे -3 ले लेते, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल रहा था, तो dr बटा dt का मान कितना 3 हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है सवाल कि अब आप एरिया निकालिए, क्या निकालिए, एरिया निकालिए, किसका, सर्किल का। यानी कि सवाल में बोल रहा है एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, और एरिया ऑफ सर्किल को हम लोग सूचित किससे करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल को ए से सूचित करते हैं, पक्का बात। अब ए का फार्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए का तो वैल्यू हमें पाई आर स्क्वायर मिल गया और हमें यही सी का मान निकालना है, इसका मतलब है कि जिसका मान निकालना होता है दोस्तों उसको तो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू तो फार्मूला में कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसी का वैल्यू रियलिटी में निकालना है, ये तो फार्मूला होता है ना, अब इसका मान हमें निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जो डिफरेंशिएशन करना है, अब सवाल खड़ा होता है कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आप यहां पे ठहरना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जो फार्मूला होता है, पहले तो जो निकालना है, अब इसका फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिखने के बाद इसको तो डिफरेंशिएशन करना है, सही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको लिखेंगे नाउ डी ए बटा डी टी, समझ पा रहे होंगे, डी ए बटा डी टी, तो डी ए, तो ए का मान कितना है डियर स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर बट्टा में कितना डी टी, ठीक है। अब पाई तो कांस्टेंट है जैसा कि आप जानते हैं, तो पाई को कहां कर लेंगे, बाहर, पाई जैसे ही बाहर निकल जाएगा साथियों क्या बचेगा अंदर, डी आर स्क्वायर बटा में डी टी। और जरा इन चीजों पर गौर कीजिए कि ऑलरेडी पाई का तो पाई है, पाई का तो पाई है, इनटू,
अब डी आर स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी आर स्क्वायर बटा डी आर और इंटू डी आर बटा डी टी। समझ में आ रहा है? यहां पे हम आर स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो चैन रूल यही ना बोलता है कि आर स्क्वायर है तो आर के रिस्पेक्ट में करो और नीचे वाला को उधर भेज दो। तो कुल मिलाकर अब हमें यहां पे देखेंगे कि क्या आ गया उसके नीचे, पाई। तो यहां पे पाई रखेंगे इंटू डी आर स्क्वायर बटा आर है, तो आर स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो टू बाहर आ जाएगा, आर का आर बचा रह जाएगा, और फिर क्या है तो डी आर बटा डी टी, और डी आर बाई डी टी का कितना वैल्यू दिया है सवाल में, ये गिवन है और गिवन है कितना, तीन। तो इसके जगह पे हम लोग प्लस तीन रख दिए क्योंकि इंक्रीजिंग था, तो यहाँ पे प्लस दे भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो टोटल मिलाकर हमें जो आंसर आया 3 × 6 π r आया। ठीक है, अब तो यहां तक क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल बोल रहा था तो एरिया का ही आंसर आया है, लेकिन अब अंत में सवाल ये बोल रहा है कि यदि रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर हो तब आपको एरिया बताना है। रेडियस कितना हो, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे अब लिखना है व्हेन आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए एरिया का जो मान होगा आर के जगह पे 10 रख देंगे तो 6 π × 10, तो 10 × 6 = 60 π आ जाएगा। अब 60 π तो आ गया, जरा इसका यूनिट का बात कीजिए क्योंकि ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो देखिए यहां पे सेंटीमीटर दिया है तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इसको, आखिर तो डिफरेंशिएशन करा के ना लाए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। आपको हरेक क्वेश्चन पे विचार करना चाहिए और लैंग्वेज को अच्छे से समझना चाहिए कि हमें क्या क्या का वैल्यू दिया है और कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक के डिस्कस किए, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जरा पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, क्यूब का मतलब घन और एज माने किनारा, यानी कि घन का जो किनारा है वो इंक्रीज कर रहा है कितना से, 3 cm/s से। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब बनाना है और क्यूब का जो एज है, एज का मतलब किनारा, एज माने किनारा। तो बोल रहा है कि एक क्यूब है, मान लिया जाए एक क्यूब है, ये बोर्ड पे बना रहे हैं, जरा फिगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर की सोचने समझने की जो भावना है वो और बढ़े, इसलिए हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। ये क्यूब है और इस क्यूब का जो एज, एज का मतलब किनारा, ये किनारा कहलाता है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स है। इसका वैल्यू कितना है, एक्स है। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला, गिवन कि एज, ईडीजी एज ऑफ क्यूब कितना दिया भाई, एज ऑफ क्यूब जो दिया है वो 3 cm/s दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे 3 cm/s। अच्छा, इंक्रीजिंग भी बोला है, इंक्रीजिंग भी बोला है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एज को हम कितना माने हैं, फिगर में तो एज को, किनारे को एक्स माने हैं, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है वो 3 cm/s दिया है। लेकिन यहां से हम लोग ये बोलेंगे कि जो यूनिट दिया है ना, ये कब होगा, तो एक्स का मान तो 3 है लेकिन ये इंक्रीजिंग भी है, और दूसरी बात कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन किया होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रति सेकेंड है। देखिए यूनिट का बहुत बड़ा वैल्यू है, यूनिट का खेल है, आप यूनिट देखिए यहां पे, तब इसको आप इस रूप में चेंज कर लीजिए dx बटा dt बराबर प्लस में 3। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग कर रहा था, हम dt क्यों किए, क्योंकि प्रति सेकेंड था तो सेकेंड t होता है, और x को खुद डिफरेंशिएशन करेंगे तब ना सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। तो इस तरीके से अब सवाल क्या बोल रहा है, हमें तो इतना चीज गिवन था, दिया हुआ था,
हालांकि एज के बारे में नहीं बोला था कि एक्स है कि वाई है, आप इसको वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें अपने तरफ से मान रहे हैं वो ये है लेट, लेट ऐसा माने हुए हैं कि इसका एज कितना है, इसका एज यानी कि किनारा एक्स है। फिर सवाल क्या बोल रहे हैं, हाउ फास्ट, हाउ से देखिए जो भी शुरू होता है ना वो सवाल बन जाता है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, किसका वॉल्यूम, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि सवाल पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, सवाल समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब कौन सी, भी, और भी का फॉर्मूला आप जानते का कितना है, तो भी का फॉर्मूला भुजा का क्यूब, तो यहां भुजा तो एक्स माने हैं तो भी बराबर एक्स क्यूब, समझ रहे हैं। यानी कि इस सवाल में वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है, किंतु हम लोग भी का जो फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, एक्स का क्यू जानते हैं, यही ना। तो जब एक्स का क्यू जानते हैं तो अब हमको इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जाना है, तो क्या करेंगे, जो फार्मूला पुट करते हैं अब उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, हर बार कर रहे हैं इस बार भी करना पड़ेगा, तो जो फार्मूला होता है उसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब सवाल खड़ा होगा कि सर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे तो कुछ होना चाहिए ना, आप पहले पीछे वाले भाई देख लो ना क्या चीज है, पीछे वाले तुम डीटी किया है तो इसलिए इसको भी क्या करो, नाउ करो, नाउ डी भी बटा डीटी, और डी का तो डी रहेगा, भी का मान कितना है एक्स क्यू, और नीचे कितना डीटी। अब ये क्या डिफ्रेंसिएशन होना संभव है, नहीं है, क्योंकि ऊपर एक्स है और नीचे टी है, इसलिए इसको क्या करो डी एक्स क्यू बटा डी एक्स बना लो, चैन रूल पे तोड़ दो, और नीचे वाला ऊपर जाएगा डी एक्स बटा डीटी। देखो हर सवाल में जो है ना एक चीज ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा कि जो सवाल पूछेगा उसमें उसका वैल्यू तुरंत पुट कर देना है, बहुत शानदार चीज है और बहुत आसान चीज है, बशर्ते थोड़ा सा समझदारी आपको चाहिए। क्या कि हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ चीज अगर आप लिख लेते हैं और जो पूछता है सवाल उसमें ऑटोमेटिक ऐसा कुछ आ जाता है ना कि आपको देखिए dx by dt आप जो दिया हुआ था उससे पढ़ के निकाल लिए तीन, तो इसके जगह पे आप तीन रख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन से सब कुछ ऐबे करता है, सब तो सीख नहीं है आप लोग, तो यहाँ पे कर दीजिए एक्स क्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तीन बाहर आएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना, तो तीन रख दीजिए क्योंकि प्लस तीन रखिए चाहे तीन रखिए बात तो बराबर है, तो यहां रख दीजिए तीन, टोटल मिला के कितना हुआ इसका, थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो हमें सवाल पूछ रहा था वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, 9x स्क्वायर आ गया, लेकिन अब सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि एज जो है 10 सेंटीमीटर होता तब बताओ कि वॉल्यूम कितना होता। अरे भाई तुम वॉल्यूम निकाल लिया इतना आया तो एज के जगह तुम 10 रख दो, यानी कि x के जगह पे आप 10 रख दीजिए, तो अब हम लोग निकालेंगे। सो चूंकि ऐसे लिखेंगे when x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, एज कितना ये सवाल में दिया हुआ है कि x का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर होगा इसलिए वॉल्यूम ऑफ कितना, तो 9x स्क्वायर था तो x के जगह पे कितना रख देंगे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना 100, और 100 को 9 से गुना करेंगे 900 हो जाएगा। और इसका यूनिट जरा बात करते हैं, यूनिट सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हैं यहां पे, आयतन ना, डीबी बटा डीटी ना निकाले इसको, तो आयतन का क्यू हो जाता है, तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, और नीचे में क्या है टाइम मतलब सेकेंड। तो कुल मिलाकर ये चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक स्टोन का मतलब पत्थर ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड, बोला जा रहा है
एक स्टोन को, पत्थर को एक एक ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव अ सर्कुलर, बोला जा रहा है कि एक वेव के फॉर्म में, एक वेव का मतलब तरंग के फॉर्म में एक स्टोन को एक रस्सी या स्प्रिंग से बांध देना है, ठीक है, और उसको चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाना है, चारों तरफ घुमाना है, किसको, वो जो स्टोन बांधे हुए है ना, यानी कि एक स्टोन को एक रस्सी में, सिंपल समझिए कि एक रस्सी में बांध लिया गया है और उसको गोले गोले ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के, तो चारों तरफ स्टोन घूमेगा, तो बोल रहा है कि एक स्टोन को घुमाया जाता है तो कैसा बनेगा, एक सर्किल के जैसा बनेगा, बनेगा ना, एक स्टोन को बांधकर और चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, जरा देखिए, ऐसा बनेगा, यहां पे आपका उंगली है ऐसे ऐसे घुमाने वाला और यहां पे एक बड़ा सा पत्थर है जो घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है यहां पे, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसको हम एरो देकर दिखा दिए हैं कि ये घूम रहा है चारों तरफ से, ऐसे ही घूम रहा है। तो अब इसमें घूम रहा है कितना के स्पीड से, तो 5 सेंटीमीटर की स्पीड से, तो ऐसा मान लीजिए कि स्टोन को जो बांधे हुए होंगे तो इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या है, ऐसा मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है r, तो सवाल में क्या दिया है, गिवन रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना, हालांकि ये चीज नहीं लिखा हुआ है लेकिन स्पीड लिखा है, तो स्पीड का मतलब कौन सी, उसका रेडियस ना, रेडियस को हम r माने, तो यहां पे रेडियस ऑफ सर्किल दिया, कितना स्पीड से घुमाना है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस सवाल में ना तो इंक्रीज बोल रहा है और ना ही डिक्रीज बोल रहा है, तो जब ऐसा सवाल रहे जिसमें ना ही इंक्रीज बोले और ना ही डिक्रीज बोले तो उसको प्लस समझना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें तो रेडियस ऑफ सर्किल को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से, आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सो इसको हम लोग किस, क्या लिख सकते हैं, आप समझिए कि जो r का मान दिया है वो प्रति सेकेंड में दिया है, तो प्रति सेकेंड कब, प्रति सेकेंड कब होता, जब इसको dt से डिवाइड करते हैं, यानी कि नीचे में dt रहेगा तभी ना ये सेकेंड लिखा हुआ होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dr बटा dt का जो वैल्यू है वो 5 ही है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड तो आ गया यहां पे 5 है, अब कुछ नहीं बोला, ना इंक्रीजिंग बोल रहा है ना डिक्रीजिंग बोल रहा है, तो हमेशा उसको प्लस में ही लिया जाता है, ठीक है, तो dr बटा dt हो गया। फिर क्या बोल रहा है, जरा आगे बढ़ते हैं, द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, एरिया बोल रहा है, एरिया निकालना है, कब, जब इसका सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि आपको एरिया यहां से निकालना है। सवाल क्या बोला कि आप एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, इसका मतलब हमें सर्किल का एरिया निकालना है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल को ए से सूचित करते हैं, और एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला कितना होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर होता है, अब ये चीज निकालना है तो इस ए को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखिएगा नाउ, अब हम लोग को आएगा कैसे, तो जो चीज फार्मूला होता है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी ए बटा में डी टी, और डी ए बटा डी टी का बोले तो ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर बटा में डी टी, अब यहां से कौन सी कॉमन है, सॉरी आगे कर लेते हैं, जगह था, यहां पाई को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, डी आर स्क्वायर बटा डी टी, और यहां से पाई का तो पाई ही है, अब आर स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो जब नहीं कर सकते तो आर स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे डी आर स्क्वायर बटा में कौन सी, तो बटा में डी आर, और इनटू डी आर बटा में डी टी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कुल मिलाकर। अब जरा इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है उधर, तो यहां पे जो आएगा उसके नीचे पाई है तो पाई रखेंगे, इनटू
आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर है तो पावर पहले आ जाता है, मतलब कि 2 × r इसका होगा, और dr बटा dt का वैल्यू देखिए यहां पे दिया है 5, तो यहां पे रख देंगे 5, तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 πr आ गया। अब सवाल में लिखा है, क्या लिखा है जरा देख लेते हैं सवाल, व्हेन इसका जो सर्कुलर वेव जो है 8 cm, सर्कुलर वेव का मतलब कौन सी, कि अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तब आपको एरिया निकालना है, एरिया तो निकालने के लिए बोल रहा था लेकिन कब, जब 8 सेंटीमीटर होगा तब, हम लोग एरिया निकाल लिए हैं। अब यहां पे देखिए, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 8 cm, जब रेडियस 8 cm है इसलिए 10 × π × r, r की जगह पे 8 रख देंगे तो 80 π हो जाएगा। अब 80 π क्या निकाले आप, तो dA बटा dt ना, और क्षेत्रफल का क्या होता है वो स्क्वायर में चला जाता है, यूनिट देखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, हमेशा वॉल्यूम माने कि आयतन वो हमेशा क्यू में होता है, ठीक है, और उसके नीचे देख लीजिए कि टाइम है तो प्रति सेकंड लगा देंगे, है ना, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में सेकंड था, टाइम था तो सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब प्लस, एट द रेट ऑफ 0.7 cm/s। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे तो सवाल बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल कितना, तो 0.7 cm/s। अब रेडियस ऑफ सर्किल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से, तो यहां आर लिखेंगे और यहां दिया है 0.7 cm/s। अब जरा इन चीजों को देखिए, तो क्या बोल रहा है सवाल कि 0.7 cm/s, तो सेकेंड दिया है, इसका मतलब कौन सी किया गया होगा, ये डी आर बटा डी टी का वैल्यू दे दिया, और इंक्रीजिंग है तो प्लस में 0.7 हो गया, यानी कि हमको यूनिट को देखना है कि नीचे कोची है सेकेंड, तो सेकेंड किसका ऐसा मात्रक होता है, तो टाइम का, समय का, इसीलिए डी टी डिफरेंशिएशन किए हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, डी आर बटा डी टी, और डी आर बटा डी टी का वैल्यू दे दिया कितना, 0.7। ये हमें सवाल में क्या था, तो ये हमें सवाल में गिवेन था, दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा दिया हुआ है तो फिर हम लोग आगे काम करेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेट ऑफ सर्कमफेरेंस दिया है, यानी कि अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है भाई, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना है कि सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल को सी से सूचित करते हैं, और सर्कमफेरेंस यानी कि वृत्त का परिधि, यही ना हुआ सर्कमफेरेंस, आपको हम फार्मूला इसीलिए लिखवाए थे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है 2πr। अब ये तो फार्मूला होता है, अब इससे हमें निकालना है सर्कमफेरेंस, तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जैसे कि जो फार्मूला मेरे पास होता है उसको डिफरेंशिएशन करो। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो ये किसके रिस्पेक्ट में आपको सवाल दिया है, टी के रिस्पेक्ट में दिया है, तो जिसके रिस्पेक्ट में सवाल दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहां लिखेंगे नाउ डी सी बट्टा डी टी, यानी कि डी 2πr बट्टा डी टी, यहां से क्या कॉमन है साथियों, 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन है, 2π बाहर निकाल लीजिए, अंदर में क्या बच रहा है डी आर बट्टा डी टी, तो इस तरीके से 2π का 2π, और इस डी आर बट्टा डी टी का मान कितना है, डी आर बट्टा डी टी का मान 0.7 है,
तो यहाँ 0.7 रख दीजिए और 0.7 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.4 और पाई का पाई छोड़ दीजिए। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस का जो यूनिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था। अब आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखिए यहां पे डिक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट दिया है। एंड द विथ, विथ का मतलब चौड़ाई या फिर ब्रेथ का मतलब भी होता है चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल बोल रहा है, एक रेक्टेंगल बोल रहा है, हम रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ माने लंबाई, वो लंबाई कितना है एक्स, लंबाई सवाल में दिया है कि यहां हमें एक्स सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा है कि इसी रेक्टेंगल का विथ है, विथ का मतलब चौड़ाई या फिर ब्रेथ भी उसको बोलते हैं, तो चौड़ाई हमें बोला कितना वाई, तो यही ना चौड़ाई है, आयत का ये चौड़ाई हो गया, आयत का ये लंबाई हो गया। अब सवाल शुरू से पढ़िए, क्या बोल रहा है, लेंथ जो एक्स है ना रेक्टेंगल का वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब घट रहा है, कितना से भाई, तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, गिवन, क्या गिवन है भाई, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यहां पे मिनट दे दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही तो बोल रहे हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप अच्छे से समझिए चीजों को, समझ समझ के कदम को रखिए। हाँ, अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को क्या माने हैं, एक्स, तो यहां पे हो गया एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब जरा आप ये समझिए कि ये जो एक्स का मान दिया हुआ है, ये जो एक्स का मान दिया है लेंथ, वो प्रति किसमें दिया, मिनट में, तो भाई वाह, मिनट रहे, सेकेंड रहे, चाहे घंटा रहे, समझ में आ रहा है, वो किसका ऐसा मात्रक है, अरे सब कुछ तो समय का ना मात्रक है, सेकेंड देवल रहेगा, घंटा देवल रहता है, हम पूछते कि क्या बज रहा था, तो नहीं बताता है 2:00 जितना सेकेंड बताता ना है, तो कोई भी टाइम दिया रहेगा, तो नीचे कुछ ही है, टाइम है ना, तो हम इसका मतलब ये देखो, यूनिट देखकर ये समझना है कि किसके रिस्पेक्ट में इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे क्या दिया है, मिनट, तो मिनट को मैंने कौन चाहिए, समय, और समय को किससे सूचित करते हैं, टी से, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे कि डीएक्स बटा डीटी का वैल्यू कौन चाहिए 5। अब कौची में तो सवाल दिया है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेंथ जो है डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, और डिक्रीज में कुछ ही लेवल जाता है माइनस। एक एक चीज का मतलब समझना है तुम्हें, अगर एक एक चीज का मतलब समझोगे, कदम कदम अच्छे अच्छे सोच विचार कर रखोगे, हमेशा आंसर सही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, एंड एक और चीज दिया है, क्या दिया है, गिवन में तो एक दिया है, एक और चीज लिखा है विथ ऑफ रेक्टेंगल, विथ का माने चौड़ाई, जैसे लेंथ माने लंबाई, तो विथ माने चौड़ाई, तो विथ ऑफ रेक्टेंगल, विथ ऑफ रेक्टेंगल भी दिया है, कितना है भाई, विथ, विथ वाई हम माने हैं और सवाल में ही दिया है मतलब, और 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट है, जरा आप समझिए, तो हम विथ जो है सवाल में कुछ दिया है, विथ, विथ का मतलब वाई दिया है, तो हम यहां पे नहीं लिख सकते हैं वाई बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो प्रति मिनट है, तो किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीवाई बटा डीटी का मान, यहां पे 4 दिया है, प्लस की माइनस, तो यहां पे दिया कि विथ जो है ना वाई इज इंक्रीजिंग, यानी कि वाई जो है इंक्रीज कर रहा है, ये वाला जो वाई है इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्लस,
इस तरीके से दो चीजें हमें पता चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों चीजों से, ठीक है, अब ये दो चीजें दे दिया गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है, अब आपको दो चीज निकालना है, ठीक है। कौन कौन सा चीज, पेरीमीटर और दूसरा में रेक्टेंगल का एरिया। यानी कि देखिए, पहला सवाल ये बोल रहा है कब, अब बोल रहा है कि व्हेन, व्हेन एक्स का वैल्यू आपको रखना है 8 सेंटीमीटर और वाई का वैल्यू कितना रखना है, जरा एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो वाई का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका पहला बोल रहा है कि आप पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और दूसरा सवाल बोल रहा है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। यानी कि पेरीमीटर भी निकालना है और रेक्टेंगल एरिया भी निकालना है। यानी कि अब ये जो सवाल है ये अब आपका बच रहा है, जो जितना सवाल लिखा है उसमें का इतना ही बात का हमें इस्तेमाल करना है। अब जो सवाल बोल रहा है उसमें दो सवाल है, ए और बी। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, सवाल नंबर ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर ए क्या बोल रहा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, क्या करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखिए कि यहां पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर व्हाट, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब जरा आप सोचिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का को किससे सूचित करेंगे, तो पी से सूचित करेंगे। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कोची होता है, तो दू गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, अरे ही ना होता है, आयत का परिमिति, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पिछला दिन भी पढ़े, 2 × L + B होता है। तो आप यहां लिखेंगे 2 × L + B नहीं, लंबाई तो x ना है, तो 2 × x + y, ठीक है। अब आप सोचिए कि अब जो चीज निकालना है उसका जो फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखे से निकल जाता है, नहीं, उस फॉर्मूला को डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, उस फॉर्मूला को डिफ्रेंसिएशन किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, तो देख लीजिए सबके रिस्पेक्ट में, तो dt है, तो ये कौन दुनिया से आया है, किसको दूसरा के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, वह जो देवल रहता है उकरे रिस्पेक्ट में ना करते हैं, तो हमको दिया हुआ चीज किस में है, dt है, इसलिए इसको हम लोग नाउ लिखेंगे, नाउ dp/dt, दिख रहा है नीचे तक, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो dp/dt निकालना, अब यहां पे आप देखिए कि p का मान कुछ ही दिया है, तो p का मान दे दिया 2 × x + y, तो यहां रखिए 2x + y/dt, ठीक है। अब यहां दिखेगा नहीं, अब यहां से यहां करते हैं, फिर बाद में मिटा देंगे, क्योंकि अभी हम a का सॉल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, तो 2 तो ऑलरेडी बाहर निकल जाएगा, अब 2 जब ऑलरेडी बाहर निकलेगा तो इसको दो टाइप में हम लोग तोड़ सकते हैं, जानते हैं ना कि डिफरेंसिएशन अगर प्लस और माइनस में होता है तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, dx/dt + dy/dt बनेगा। अब जब dx/dt और dy/dt होगा तो 2 dx/dt का मान कितना, तो dx/dt का वैल्यू -5, तो यहां रख देंगे -5, प्लस dy/dt का मान 4, तो यहां रख देंगे 4, तो कुल मिलाकर 2 × -5 और 4 का जोड़ कितना हुआ, -1, और -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 आया। अब इसका यूनिट देखते हैं, तो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर माने कि परिमिति, तो परिमिति कुछी में होगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, और प्रति कुछी में है टाइम, तो टाइम यहां कुछी में दिया है मिनट में, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। यानी कि एक आंसर हमें आ चुका है, एक आंसर आ चुका है,
इसमें हमें x और y का वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि x y में एबे नहीं किया यहां पे। अगर x y में आता तब ना हम इसको इस्तेमाल करते, x के जगह पे 8 रखते हैं, y के जगह पे 6 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट किए तो कुछ एक्स वाई नजर नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो माइनस टू आंसर हो जाएगा, माइनस टू सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब चलिए इस एक सवाल के बजाय अब हम लोग इस बी वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं कि बी वाले सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो अब हम इस यहां के बाद मिटाते हैं, अब बी वाले सवाल पे आते हैं। जरा देखिए बी वाला सवाल क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिएगा। बी नंबर बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। आप क्या निकालो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां लिखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किससे सूचित करेंगे, ए से। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, तो एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां लंबाई कितना है एक्स, चौड़ाई कितना है वाई, तो यहां हो जाएगा एक्स वाई होगा। अब हमें क्या करना है, जब इसका वैल्यू निकालना है तो जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको डिफरेंशिएशन करना होता है, जानते हैं ना। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जैसा कि हम बहुत बार बोल चुके हैं, तब से बोलते आ रहे हैं, भाई देख लो डीटी डीटी है, तो डीटी के रिस्पेक्ट में। और बी ए का मान कौन सी, ए का मान कौन सी, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई बटा में टी, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब जरा हम आगे करते हैं, यहां पे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो जरा आप फार्मूला तो भूले नहीं ना है, ऊपर हम लोगों का काम नहीं है, इसलिए इसको मिटाते हैं। यहां याद रखिएगा एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 6 है, यूज करना। यहां के बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको फिर से लिख देते हैं डी एक्स वाई बटा डी टी। तो आप पढ़े हैं ना ये डिफरेंशिएशन किस पे होगा, तो यू इंटू भी पे डिफरेंशिएशन होगा। तो u इंटू भी का फार्मूला क्या होता है कि आप u को बाहर कर लो, तो हम x को क्या किए बाहर, तो जब x को बाहर किए तो अंदर में क्या बच रहा है dy बटा dt बच रहा है, और प्लस अब की बार y को बाहर करना है, u इंटू भी का तो फार्मूला यही हुआ, y को जब बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा dx बटा dt। अब यहां पे क्या हुआ, तो x और dy बटा dt का मान कितना, तो प्लस में 4, यानी कि इंटू में 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस y इंटू dx बटा dt का मान यहां से माइनस 5, तो टोटल मिला के कितना हुआ 4x माइनस 5y, ठीक है। अब यहां पे वही चीज जो अभी हमें यूज करना चाहिए, क्या लिखा है, when x के जगह पे आप 8 रखिए और y के जगह पे 6 रखिए, तो अब क्या बनेगा, अगर ऐसा कुछ रखते हैं x के जगह पे, तो 4 गुना 8 माइनस 5 गुना में 6, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस 30, तो यहां हो जाएगा 2। लेकिन 2 कोची में, क्योंकि अभी एरिया निकाले है ना, तो क्षेत्रफल कोची में होता है, स्क्वायर में होता है, कोची में स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय किसमें है, तो मिनट में, तो यहां हो जाएगा मिनट। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें दो दो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। दो दो क्वेश्चन बोले तो एक पैरामीटर भी निकालना था और दूसरा एरिया भी निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बैलून है और वो बैलून किस रूप में है, तो स्फेरिकल के रूप में है, मतलब कि एक गोला के रूप में है। क्या? एक बैलून, ठीक है। एक बैलून जो है एक गोले के रूप में है। ऑन इन्फ्लेशन इज बिंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग, यानी कि उस बैलून में जब पंपिंग किया जाता है, मतलब कि हवा भरा जाता है, तो वो बैलून फूल जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है वो फूल जाना, फुलाना। बैलून फुलाता है तो फूलता है ना, उसको अंग्रेजी में इन्फ्लेटेड बोलते हैं। इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग,
इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी कि आप कभी भी किसी बैलून में हवा भरते हैं तो जो इनफ्लेटेड होता है वो एक वॉल्यूम उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। यानी कि सवाल में अगर 8 नंबर का बात किया जाए तो हमें दिया है, क्या दिया है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्यों हम स्फेयर बोल रहे हैं? क्योंकि सवाल बोला है कि एक बैलून जो है स्फेयर का रूप का है, एक गोले का रूप का है, ठीक है। तो जब एक गोले का रूप है तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना दिया है, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर का क्यूब और प्रति सेकेंड। वो जो लैंग्वेज लिखा है ना, हम उसको डिनोट्स कर दिए। क्या डिनोट्स कर दिए? 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसी को, इसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वी से सूचित करते हैं, और वी का वैल्यू क्या, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जरा बात कीजिए कि ये वॉल्यूम को, वॉल्यूम का वैल्यू इतना दिया होगा कब, जब टी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया होगा तब ना। यानी कि आप इसका वैल्यू जो दिया है, डीवी बटा डीटी का वैल्यू दिया है 900। जी हाँ, इंक्रीज कर जाता है, ऐसा लिखा होगा। इंक्रीज का मतलब अगर नहीं भी लिखा है तो आप सोचिए कि अगर कोई वैलून में हवा भरिएगा तो वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मतलब फूलेगा कि पचकेगा, फूल भी ना करेगा तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस। नहीं तो हम एक और चीज बोले हैं कि अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखे तो आपको प्लस में लेना है, तो इसमें कुछ नहीं लेना लिखा हुआ है तो आप ही उसको प्लस में रखिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, गैस फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि dr बटा dt निकालिए। सवाल क्या बोल रहा है कि dr बटा dt यानी कि रेडियस कितना से हो जाएगा, तो यहां वॉल्यूम का फार्मूला रखिए। चूंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v का फार्मूला होता है कितना, 4/3πr³। ये कहां से, तो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। अब इस भी के जगह पे क्या रखिए, इतना सारा रख दीजिए तो क्या बनेगा, d 4/3πr³/dt, ठीक है। db बटा dr dt का वैल्यू दिया था 900, तो हम इस भी के जगह पे इतना फार्मूला, क्योंकि गोले का आयतन, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3πr³, हम भी के जगह पे रख दिए, बराबर कितना दिया है सवाल में, 900, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 4/3π को बाहर निकाल लिए। अब यहां पे क्या बच रहा है, तो r³ को किसके रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा r, तो dr/dt बराबर कितना, 900, ठीक है। जरा अब अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए इधर क्या लिख सकते हैं, इधर 4/3πr³ को r के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो यहां होगा 3r², क्योंकि पावर में 3 है, इसका डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr/dt बराबर में कितना, 900, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो 3 से 3 कट रहा है, तो क्या बच रहा होगा यहां, 4π dr/dt बराबर में 900। इसलिए प्यारे दोस्तों यहां पे dr/dt का जो वैल्यू बन गया, क्या हो गया, dr/dt का जो वैल्यू बना वो कितना बना, एक मिनट, कुछ छूट रहा तो नहीं ना है, हाँ छूट रहा है ना, r², तो यहां पे लिखिए r², 4π r² dr/dt बराबर में 900। तो यहाँ पे dr/dt का वैल्यू कितना होगा, तो 900/4πr². सवाल में हमें क्या बोल रहा था कि यही रेडियस निकालना है जिसको हम लोग dr/dt बोल रहे हैं, कब, जब when रेडियस बराबर कितना रखना है सवाल में, तो रेडियस बराबर, एक मिनट सवाल देख लेते हैं, रेडियस बराबर बोल रहा है 15 सेंटीमीटर रखने के लिए,
15 सेंटीमीटर, इसलिए डी आर बटा डी टी बराबर 900 बटा 4 गुने पाई गुने आर स्क्वायर का मतलब कितना, आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप ऊपर वाला लिख लिए होंगे तो हम ऊपर वाला चीजों को मिटाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या बन रहा है, 900 बटा 4 पाई है तो 4 पाई लिखेंगे, 4 पाई वाला खटिया नहीं 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15, ठीक है। अब आप देखिए तो कितना से ये कट रहा होगा, तो ये कट रहा होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 225, ठीक है। और ये 15 से 15 बार में कट रहा होगा, 15 से 15 यानी कि टोटल मिलाकर 1/π आ गया। अब 1/π किसका मान आया, तो dr बटा dt का ना, और यही मान हमें निकालने के लिए बोल रहा था, क्यों, क्योंकि बोल रहा था कि रेडियस कितना से इंक्रीज कर जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालना था, तो रेडियस निकल गया। अब इसका जो एसआई मात्रक होगा रेडियस किसमें, तो सेंटीमीटर में, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग आंसर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 क्वेश्चन नंबर की तरफ, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लैटर इज 10 सेंटीमीटर। अब जरा समझिए, बोल रहा है 9 क्वेश्चन में कि एक बैलून है और उसका स्फेरिकल शेप है, ठीक है। स्फेरिकल शेप है का मतलब क्या, वो स्फेयर के रूप में है, एक गोला के रूप में है, ठीक है। जब कोई गोला के रूप में एक बैलून है तो यहां पे दिया है फाइंड द रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो बैलून है वो इंक्रीजिंग हो रहा है इसका रेडियस, ए बैलून विच इज ऑलवेज वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसके वॉल्यूम कितना से इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें सवाल बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमें सवाल बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है भाई, तो डीवी बटा डीटी, यानी कि सबसे पहला है वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम का हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, हमें वॉल्यूम दिया ही नहीं हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है इस सवाल में। जैसा कि एक बैलून है उसका स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप है तो बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा यह है कि आपको डीवी बटा डीटी निकालना है, डीवी बटा डीटी निकालना है, यानी कि जैसे सवाल बोल रहा है कि कोई भी एक स्फेयर है, यानी कि स्फेयर है तो उसमें वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तभी ना, तो यहां पे सवाल, तो सवाल में यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो एक बैलून है और बैलून का जो रेडियस है ना वो रिमेन्स है, रिमेन्स का मतलब स्थिर है, यानी कि रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, देखिए रिमेन्स का मतलब है कि स्थिर है, जैसे मान लिया कि हम यहां पे एक ही जगह पे खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, अगर चल रहा है तो चल रहा है, तो रिमेन्स का मतलब होता है कि वो रुका हुआ है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये चीज नहीं दिया हुआ है, इसको लैंग्वेज में लिख दिया है रिमेन्स, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि रिमेन्स वैल्यू लिखा है। देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ के सुना देते हैं, ए वैल्यू विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ऑलवेज रिमेन्स, तो रिमेन्स का मतलब उसका वैल्यू कितना 1, तो इसीलिए हम लोग रेडियस ऑफ स्फेयर कितना ले लिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस को किससे सूचित करते हैं आर, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम इसको इसलिए लिख सकते हैं
कि आर वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो वैल्यू दिया है dr बटा dt का मान दिया है कितना, तो dr बाय dt का वैल्यू 1, और ना इसमें इंक्रीज बोला है ना डिक्रीज बोला है इस वाले में रेडियस के बारे में, तो प्लस लेंगे ऑलरेडी। चलिए तो अब हमको क्या बोल रहा है कि इतना सवाल दे दिया है, अब सवाल हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा, चूंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को भी से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला क्या आता है 4/3 πr³, तो इसका वैल्यू निकालना है तो ये सूत्र जो फार्मूला आता है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी भी बटा डी टी निकालना पड़ेगा, तो भी का फार्मूला कितना, तो डी 4/3 πr³ बटा में डी टी, तो यहां से क्या बाहर निकल गया 4/3 π बाहर निकल गया, तो क्या बन रहा है डी आर का क्यू बटा में डी आर इंटू डी आर बटा डी टी। जरा यहां जो बच रहा है उसको लिखते हैं, तो क्या बच रहा है यहां पे 4/3 π, अब आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आर क्यू का होगा 3r² और इंटू डी आर बटा डी टी, तो डी आर बटा डी टी की जगह पे कितना रखना है 1, 3 से 3 खत्म हो गया तो यहां बच गया 4πr². अब सवाल में बोला कि वेन आर का वैल्यू कितना रखना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर रखेंगे, तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो यहां हो जाएगा 4π × 10² 10² 100 और 100 को 4 से मल्टीपल करेंगे 400π। अब 400π तो आ गया, अब इसका यूनिट देखिए, तो हम कोची का मान निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मैंने डीवी बटा डी टी, तो भी मैंने कोची आयतन, आयतन हमेशा कोची में होता है क्यूब में होता है, तो यहां पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब और किसके रिस्पेक्ट में टाइम, तो यहां टाइम कोची में है सेकेंड में, तो सेकेंड रख देंगे, इस तरीके से हम लोग आंसर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम लोग ये एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा डिस्कस किए जरा देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज जो आपका 6.1 है इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, टोटल कितना क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, और इस 18 क्वेश्चन में हम लोगों का थ्योरी के दिन, जिस दिन थ्योरी पढ़ रहे थे उस दिन हम लोग 1 नंबर को पढ़े, 15 नंबर को पढ़े, 16 नंबर को पढ़े, 17 नंबर को पढ़े, 18 नंबर को पढ़े, यानी कि पहला जिस दिन थ्योरी चला उस दिन 5 क्वेश्चन खत्म टोटल 18 क्वेश्चन में से। आज हम लोग कौन कौन सा किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, आज हम लोग इतना सारा क्वेश्चन किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन आज, पिछला दिन 5 क्वेश्चन, तो 8, 5 हो गया 13, यानी कि अगले दिन मात्र और मात्र 5 क्वेश्चन बच रहा है, तो 13, 5, 18, यानी कि नेक्स्ट डे ये 6.1 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर मिलते हैं इस चैप्टर को एंड करने के लिए अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।